हमेशा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षक क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 3 छोटी बातें बड़े काम की का पेज नंबर 17 करेंगे। तो पेज नंबर 17 में क्या है, हाँ या नहीं में उत्तर दे। तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ या ना में कौन सी चीज़ हाँ और कौन सी नहीं है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पे नए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी दबाना, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दे कि कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इसमें हमने पाठ में छोटी बातें बड़े काम की, तो ये बात तो छोटी सी है कि आदर करना चाहिए, परंतु ये बहुत बड़े काम की है। तो क्या हमें बड़ों का आदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हाँ। हाँ के नीचे जो है यहाँ हम हाँ लिखेंगे, मैंने टिक का निशान लगाया, आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे। मोबाइल पर मित्रों से गप्पे हाँकनी चाहिए कि सारा दिन मोबाइल से हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते रहना चाहिए। ये बात सही है या गलत है? गलत है या सही है? हाँ, ये गलत है, हमें नहीं मारने चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, विद्यार्थी जीवन है। हमारा जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है, हमें जो टाइम है, हमारा जो समय है, उसको व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, हमें बेकार नहीं करना चाहिए, और जब भी हमें समय लगे हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जब पढ़ाई करते करते थक जाएं या फिर अपना काम पूरा हो जाए, तो अपने घर के जितने बड़े हैं उनके पास बैठना चाहिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी बातों का पता लग सके। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, हमें दोस्तों के साथ बातें नहीं करनी चाहिए, गप्पे नहीं मारने चाहिए, बल्कि उस समय हमें कोई ना कोई काम करना चाहिए। हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। तो बताइए, हमें हाथ धोकर खाना खाना चाहिए या फिर जैसे भी गंदे हाथ हो उसी से खाना खा लेना चाहिए? क्या आएगा, हाँ हमें हाथ धोकर खाना चाहिए। तो हमें हाथ क्यों धोने चाहिए बच्चों? क्योंकि जब हम इधर उधर अपने हाथों से कोई चीज़ को छूते हैं, उसके ऊपर जो कीटाणु होते हैं, जो मिट्टी होती है, जो गंदगी होती है, वो हमारे हाथों पर चिपक जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ वो हमारे पेट में चली जाती है, जिससे क्या होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, और फिर हमें हमारे शरीर के अंदर कमजोरी का सामना करना पड़ता है और डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए हमें खाना खाने से पहले हमारे हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, ताकि हम बीमार ना हो। नल को खुला छोड़ देना चाहिए। ये नल होता है, जैसे हमने हाथ साफ किए या बर्तन साफ किए या कपड़े धोए, उसके बाद भी नल को खुला छोड़ देना चाहिए। तो ये ठीक है या गलत है कि हमें छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पानी बड़ा अनमोल है, पानी बहुत अनमोल है। अगर हम नल खुला छोड़ देंगे तो हमारा जो पानी है वो बेकार बह जाएगा और आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए पानी को बड़ा ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। रोज़ाना दांत साफ करने चाहिए। दांत साफ करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, हाँ हमें ज़रूरत है। अगर हम रोज़ाना दांतों को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, दांतों में कीड़ा लग जाएगा और देखने में वो गंदे लगेंगे, हमारे मुंह से बदबू आएगी, कोई हमारे पास बैठकर बात भी नहीं करेगा, कहेगा कि परे हो जा, तेरे मुंह से
बदबू आ रही है ना। तो इसलिए हमें रोजाना दांत साफ करने चाहिए ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहे, उनमें कोई कीड़ा ना लगे और हमारे मुंह के अंदर से कोई बदबू ना आए। कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए कि जो कूड़ा होता है उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए या यूं ही गली के अंदर फेंक देना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, जो कूड़ा होता है वो हमें कूड़ेदान के अंदर ही डालनी चाहिए, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए ताकि गंदगी ना फैले और वहाँ पे मच्छर मक्खी पैदा ना हो, क्योंकि इनसे भी बीमारियाँ पैदा होती है, बदबू पैदा होती है और कीटाणु पैदा होते हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? हाँ। तो बच्चों, ये जो बातें हमने यहाँ पे पढ़ी है इनका हमें पालन भी करना है। जो जो हाँ है वो हमें जीवन में अपनाना है और जिनका नहीं है उसका उल्टा करना है। नल को खुला छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मोबाइल पर मित्रों से गप्पे हाँकने चाहिए, नहीं तो हमें नहीं हाँकने चाहिए। इन बातों का अपने जीवन में हमें ध्यान रखना है। तो ये जो 6 लाइन है इनको अपनी कॉपी पे लिखना है और इन लाइनों को अच्छी तरह याद करके अपने जीवन में भी अपनाना है। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।